हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह की टाइम है और 5 बज रहा है। 5 बजे मैं उठ गई थी और यहाँ पे सबसे पहले मैं ना मुंह धो ली हूँ, क्योंकि 5 बजे भी मुझे अभी ऐसे उठने का मन नहीं हो रहा था। 2 दिन से तबीयत ख़राब है इसके वजह से। थोड़ा सा मैं ना बाहर में बैठी, बालकनी में बहुत अच्छा हवा चल रहा था, तो वहाँ से उठने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन 5 से 6 मिनट बैठी वहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह की टाइम थी तो सुबह के टाइम में आप लोगों को पता है कितना अच्छा हवा चलता है। उसके बाद से आई हूँ लाइट, मतलब किचन में, डायरेक्टली मैं किचन में ही आई हूँ और किचन में आके लाइट जलाया। उसके बाद से थोड़ा सा ना, रात में तो थोड़ा सा साफ़ करके मैं सोती ही हूँ, लेकिन सुबह में भी थोड़ा सा इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद से पोछेंगे इसे गीले पानी से। तो अभी झाड़ू मुझे लगाना है पूरे घर में। पहले थोड़ा सा झाड़ लेते हैं किचन टॉप को, उसके बाद से इसमें झाड़ू लगाएंगे पूरे घर। यहाँ पे दही जमा के रखी थी रात में ना, तो बहुत अच्छे से दही जम चुका था, तो उसे सुबह में फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अब डेली का यही मेरा काम हो रहा है ना, डेली रात में दही जमा दे रही हूँ। नहीं तो सुबह में जैसे लस्सी उस्सी बनाना होता है तो सही रहता है। और दूध कोई पीता नहीं है, ठंडी गर्मी के मौसम, इतना ज़्यादा गर्मी है किसी को दूध पीने का मन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं रात में ही दही जमा दे रही हूँ। तो सुबह सब कोई, मतलब जब भी जिसको खाने के दही तो दही खा लेता है, और नहीं तो लस्सी उस्सी बन जाता है। तो इसके लिए मैं रात में जूरन डाल के रख दी। उसके बाद से पूरे घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट हो गया। और सबसे पहले मैं कभी भी झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है, उठो तो सबसे पहले झाड़ू लगाओ। उसके बाद से ना कपड़ा गीला कर, और अच्छे से मैं गीला कपड़ा से पोंछ लूँगी किचन टॉप को भी और गैस को भी। अच्छा रहता है, पता नहीं क्यों, जब तक मैं गीले कपड़े करके रात में भले कितना हूँ साफ़ कर लूँ, सुबह में एक बार ज़रूर पोंछती हूँ, मुझे इसे अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार सुबह में भी गीले कपड़े करके पूरे अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद से पानी चढ़ाया है अपने लिए, गर्म हो गया है पानी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू, और शहद भी डालते हैं लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका है, तो कितने दिन से शहद नहीं पी रही हूँ, सिर्फ नींबू पी रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मतलब पानी पीऊँगी। इतना अच्छा, मतलब यहाँ पे मुझे हवा लग रहा था कि यहाँ से जाने का मुझे मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ बहुत, मतलब 10-15 दिन से इसे जो एलोवेरा वाला है ना, एलोवेरा वाला गमला टूट गया था, तो उसे मुझे बहुत दिन से बदलना था। तो मैं सोच रही थी इसमें पानी डाल डाल के इसे छोड़ रही थी, लेकिन आज फाइनली यहाँ पे अच्छा लग रहा था मुझे। और संडे के दिन था तो लंच वंच बनाने का कोई टेंशन नहीं था बच्चों सबका, तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह में ये भी काम कर लूँ। तो यहाँ पर इस वाले डब्बे में मैं लगाऊँगी, क्योंकि इसका डब्बा टूट चुका था तो इसलिए। और यहाँ पे थोड़ा सा उसमें से मिट्टी निकाला और उसके बाद से ना लगाया, और ये पीला हो चुका है, लेकिन अब मैं इसमें पानी उन्हें डाले हैं ना, तो बहुत अच्छा हरा हो चुका था। और इसे ना बड़ा वाला मैं लगाऊंगी। इसे एक और है जो जिससे मैं काट रही हूँ ना, ये टूट गया है, इसे ये भी टूट गया है, तो इसको निकाल के छत पे ले जाकर लगाऊंगी, क्योंकि इसका भी गमला टूट गया है। और बड़ा वाला में रहेगा तो अच्छे से ये बहुत ज़्यादा फैलता है। तो और जितना नीचे के पत्ती ख़राब था वो मैं निकाल ली, क्योंकि इसका भी मुझे काम। तो यहाँ पे देखिए, इन सारी पत्तियों को मैं निकाल लेती हूँ। और ये क्या हुआ था ना, नीचे से भी ख़राब भी हो रहा था, और इसको मैं धूप में रखी थी, तो धूप में रखने की वजह से ना ये मतलब पत्ती जो है पीला हो गया था। अब तो मतलब 5-6 दिन से मैंने नीचे उतार के साइड में रखा है, तो थोड़ा सही है, पानी डेली दे रही हूँ उसको, तो थोड़ा सा सही हो गया है। ये तो एकदम पीला पड़ गया था ये पत्ता, इतना ज़्यादा आप लोगों को पता है ये कितना ज़्यादा धूप हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो इसको मैं पानी डाल दी पूरे मतलब पौधे में, और उसके बाद यहीं पे इसको धुल लूँगी, क्योंकि इससे मुझे काम है, बाल में लगाऊंगी। और मैं आगे आप लोग को बता देती हूँ। उसके बाद से ना पहले यहाँ के सर सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा धुल देती हूँ, क्योंकि ये सब करने से थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सा हो गया था। और उसके बाद से ना ये सारे पत्ते को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद इसे ना थोड़ा सा जो ख़राब हो गया था उसे मैं निकाल लूँगी, और इसको आसपास मतलब दोनों तरफ के कांटे टाइप के होता है ना, उसे भी निकाल लूँगी। और इसे ना थोड़ा सा बीच से काट के और चम्मच के हेल्प से इस सारा पल्प को निकालूँगी, क्योंकि इसे मुझे बनाना है बाल में लगाने के लिए पैक। तो मैं तो पहले लगाती थी बहुत दिन पहले, लेकिन इस समय थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रहा है, चाहे बहुत ऐसा काम है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने ना छोड़ दिया है। और इसी की वजह से ना मतलब अपने बाल में मेहंदी भी लगाना मैं एक दो महीने से छोड़ दी हूँ, तो मेरा बाल भी मतलब निकल रहा है, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गया है मेरे बाल में भी, और बाल निकल भी रहा है। तो इस वजह से मैंने ना इसे देखे सारा जेल निकाल लिया, और उसके बाद से इसे थोड़ा सा मतलब पीस लेंगे। पीसने के बाद से इसे अच्छे से बाल में पैक की तरह लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं इसको पीस लेती हूँ, और
क्या क्या कि ना कि लाइट नहीं था, इन्वर्टर पे मैंने चलाया है तो थोड़ा सा मोटा ही रह गया। और इसको ना कोई बात नहीं, मोटा भी कोई बात नहीं है, इससे अच्छे से बस हमें बाल में लगाना ही है। तो इसे ना जेल टाइप का हो गया था और इसे लगाने से बाल इतना ठंडा, मतलब सर आपकी इतना ठंडा रहेगा कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मतलब लगाने के बाद से बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम सुबह की टाइम है तो मैंने अपना ये काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मतलब नहाना भी है, बाल वॉश करना है, तो इस वजह से मैंने ना एक सबसे पहले यही काम मैंने किया, मैं बाल में पैक लगाया और सुबह की टाइम था तो मैंने सोचा कि ये भी काम कर लूँ। संडे दिन है, कोई ज़्यादा काम मतलब लंच वंच के टेंशन नहीं था बच्चों के, और सुबह के अभी 6:30 बज रहा होगा तो ये मैं सारे काम कर रही हूँ और 6:30 बजे मैंने ये पैक को लगाया है। और भी काम है तो पैक लगा करके और बाकी मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ पे पैक बहुत अच्छे से मैंने लगा लिया है, बाल एकदम ठंडा हो गया था, सर मेरा एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था। ये बेसिंग मेरा वाइट कलर का है तो इसे डेली धुलना पड़ता है, मतलब डेली नहीं तो एक दिन बाद तो ज़रूर धुलना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो जाता है और एकदम सामने है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं डेली सुबह में इसको धुल देती हूँ तो पूरे दिन 24 घंटा की छुट्टी हो जाता है। और बच्चे हैं मेरे घर में छोटे छोटे तो थोड़ा सा ये गंदा हो ही जाता है। तो पहला काम मेरा ये ख़त्म कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। उसके बाद से ना मतलब आधा घंटा हो गया था तो आधा घंटा तक मैंने अपना पैक को रखा और उसके बाद से अच्छे से धुल लिया है, शैम्पू से मैंने धुल लिया था। बाल इतना अच्छा मैं आप लोग से क्या ही बताऊँ, सिल्की शाइनिंग हो गया था। यहाँ पे मैंने सूजी लिया है 1 कप यानी 1 कटोरी आप बोल लो, और दही लिया है 1 गिलास, और इन सबको मतलब भिंगा के रख दूँगी 10 मिनट के लिए, इसको रेस्ट पर रखना है ना इसलिए मैं ना इसे भिंगा के रख देती हूँ। मैं बनाऊँगी चीला सूजी का तो इसे मैं भिंगा के रख दूँगी, उसके बाद से अपना जो काम है बाकी का कर लूँगी। तो पहले ये काम मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि चलो ये काम निपटा ही लेती हूँ। और तब तक बाबू मेरा उठ गया शिवांश, और आप सबको पता है छोटे बच्चे रहते हैं घर में तो कितना मतलब मुश्किल होता है उसको लेकर के सारे काम करना। तो अभी 7 बज रहा होगा और शिवांश उठ गया था तो उसको मैं थोड़ा सा मतलब लेके उसको खिलाया और उसके बाद से मैं वो धुली हूँ अभी, और अभी ब्रश नहीं कराई हूँ और मैं अभी सिंदूर नहीं लगाई थी तो उसको मतलब सिंदूर मुझे लगाना था तो मैंने अपना थोड़ा सा बाल उल सही कर लूँगी और थोड़ा सा मतलब जो करना है मेकअप या सिंदूर बिंदी ये सब कर लूँगी। सुबह की टाइम है, पूजा वूजा करना है मुझे तो सिंपल से, आज संडे है तो मैं सिंपल से ही पूजा कर लेती हूँ तो वो भी काम मैं कर ली हूँ। और यहाँ पे देखिए शिवांश खेल रहा है तो और थोड़ा सा मैं ना लिपस्टिक लगा लेती हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है और तबीयत ख़राब वजह से एकदम पूरा फेस डल हो गया था। तो यहाँ पे वही चल रहा है, मैंने पहना है कॉटन की साड़ी क्योंकि बहुत काफ़ी गर्मी है, मतलब इतना काफ़ी उस दिन गर्मी था संडे के दिन कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। उसके संडे मंडे के मतलब सुबह में बारिश हुआ है तो अब सही है, ठंडा है। मैं भी मतलब बॉयज वगैरह करें तो आप लोग को बता रही हूँ कि अब मौसम सही है, लेकिन संडे का दिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत काफ़ी गर्मी था तो मैंने कॉटन की साड़ी डाला है। और ये भी ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब शाम तक ही पहना था, उसके बाद से मैंने निकाल दिया क्योंकि बहुत काफ़ी इसी में भी मुझे गर्मी हो रहा था। और यहाँ पर मैं आ गई फिर से किचन में, और किचन में आने के बाद से मैंने प्याज और मिर्च काटा है और उसके बाद से टमाटर को जो बीज होता है ना उसे मैं निकाल लिया और उसके बाद से टमाटर भी मैंने काट लिया है। और इसमें जो सब्जियां है आप अपने मनपसंद के डाल सकते हो, गाजर उजर है तो डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गाजर उजर नहीं था मेरे पास, दूध आया था तो मैं दूध उबाल के रख दी हूँ। और यहाँ पे जो सब्जियां मैंने काटा था ना वो सारे कुछ इसमें डाल दी हूँ, और थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है, थोड़ा सा मैंने ना खाने वाला सोडा भी डाला है इसमें, वो मैं आप लोग के दिखाई तो हूँ लेकिन बताई नहीं हूँ तो इसे बता दूँगी तो पता चल जाएगा आप सबको। नमक डाला है स्वाद अनुसार और इसे मिक्स करेंगे और इसे एकदम ना जैसे चीला बनता है उस टाइप के बनाएंगे इसे। देखिए यहाँ पे मैं डाला है खाने वाला सोडा, उस पर थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद से ना इसे अच्छे से मिक्स किया है और उस थोड़ा सा पतला घोल बना के और इसे चीला बना लेंगे। ये मेरे बच्चों के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये अच्छा भी लगता है मुझे। और तो सुबह नाश्ता में मैंने यही बनाया सबके लिए, साइड में मैंने कढ़ाई भी रख दिया है, मुझे बनाना है करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी में ना थोड़ा सा टाइम लगता है जब मैं बनाती हूँ, यहाँ से एकदम धीमा करके बनाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी क्योंकि दोपहर के खाना भी हो जाएगा, मतलब बना के रख दूँगी क्योंकि अभी बहुत काफ़ी गर्मी है और गर्मी की वजह से ना किचन में आने के बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मतलब आप लोग से बता दूं कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि दोपहर में खाना बनाया जाए किचन में खड़े होकर, तो इस वजह से मैं कुछ कुछ काम मैं करके रख लेती हूँ। तो चीला मेरे साइड में हो रहा है, एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, लहसुन काट के रख लिया है, दोपहर के सब्जी की तैयारी भी कर देती हूँ साथ के साथ क्योंकि चीला बनाने के लिए मुझे यहीं पर खड़ा होना पड़ेगा तो बाकी के काम भी मैं कर लूँगी तो सही रहेगा। और चावल बस दोपहर में बनाना होगा
तो अभी तो यहाँ पे सरसों के तेल डाला है, इसमें डाला है लहसुन, बस मैं यही डालती हूँ, लहसुन डालती हूँ, मिर्च उर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि मिर्च मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा तीखा रहता है, तो इस वजह से मैं मिर्च इसमें नहीं डालती हूँ। प्याज मैंने काट लिया है इसी में, और ये मैंने रात में ही काट के रखा था सब्ज़ी, तो फ्लान थोड़ा सा चेंज हो गया था तो सब्ज़ी नहीं बना, सब्ज़ी ऐसे मैं रख दी हूँ, तो अभी सुबह मैं बनाऊँगी दाल चावल पे। तो यही मैं प्याज और क्या बोलते हैं करेली दोनों एक ही में काट दिया है, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, साथ के साथ सब्ज़ी और दोनों मतलब काम होते रहेगा। यहाँ पे फटाफट में ढेर सारा चीला बना रही हूँ, और सबके मतलब ब्रश वरस सब कोई कर लिया है, जिसको नहाना होगा वो नहा लिया है बस अब। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, साइड में मैंने सारे चीला बना के रख दी हूँ, और लाइट नहीं था तो मुझे मतलब दाल भी रखना है साइड में चढ़ाना है, तो मैंने ना क्या किया कि बाल्टी रखा है, पानी मंगाऊंगी इसमें नीचे से नल से, और यहाँ पे दाल मतलब भिंगा के रख दूंगी कि दाल भी बन जाए, सब्जी भी बन जाए, और सिर्फ दोपहर में चावल बनाना बाकी रहेगा, तो मतलब दो मिनट के काम है हो जाएगा। तो इस वजह से ये सारा काम मैंने कर लिया है। नमक हल्दी डाल दे रही हूँ करेली की सब्ज़ी में, और मैंने ना दोपहर में सिर्फ करेली की सब्ज़ी बना था, दाल चावल बस यही बना था। तो यही मेरा आज का ब्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग के लाइक से ना बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है मन के, कि हाँ आप लोग के ये वीडियो पसंद आया तो इस वजह से आपने लाइक किया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में कोई आपको पैसा नहीं लेगा, लेकिन आपको एक लाइक से हम लोग के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मेरे मेहनत के मतलब मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा करती हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि बच्चों को संभालना होता है, घर परिवार सब हम ही को देखना होता है, तो इस वजह से यहाँ पे शिवांश को मैंने दे दिया है, हिमांशु और शिवांशु दोनों लेके गए हैं खाने के लिए, मैं अपना भी खा लिया, नाश्ता कर लिया है, और यहाँ पे बस दाल भी चढ़ा दिया है, सब्ज़ी भी बन रहा है, और बहुत सारा कपड़ा धुल के मैं रखी थी दो दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो ये ऐसे ही रखा गया था, तो इसे भी मैं सारा फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ऐसे कपड़ा रखना सामने अच्छा नहीं लगता है, तो सारे कपड़ा आज मैं फोल्ड करके रख दूँगी। थोड़ा सा सर्दी के भी कपड़ा था तो वो भी धुल दिए हैं, तो उसको भी उसको अस्थिर जगह पर रखना है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया। हाँ, तो अर्चना जी आपने कमेंट किया था कि दी आपके बच्चों के उम्र क्या है, और ये आपका घर खुद का है या रेंट पे? तो अर्चना जी मैं आपसे बता दूं कि मेरे बच्चे का, बड़ी वाली लड़की का उम्र है 14 साल, और लड़का का है 12 साल, छोटा वाला का है 2.5 साल, तो ये उम्र है उन लोग का। और ये जो घर है ना, मेरा खुद का है, बहुत प्यार से, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से बनवाए हैं, अभी अच्छा से बना नहीं है इसलिए होम टूर नहीं करते हैं, कभी अच्छा से बनवा लेंगे तो होम टूर ज़रूर करेंगे, आपको दिखाएंगे ज़रूर कि मेरा घर कैसा है। मैं तब मैं दूसरी मंजिल पर रहती हूँ, मतलब दूसरे पे किचन है ना, तो इस वजह से अच्छे से मैं नीचे वाले के नहीं दिखाई हूँ, और इससे भी अच्छे से मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, और जब अच्छे से बन जाएगा तो ज़रूर करवाएंगे होम टूर। तो चलिए, बाय।